हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो एक्सरसाइज 1.2 के डाउट्स आए हुए हैं आपके, वो सॉल्व करवाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लेना, ताकि जो और वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। देखो सॉल्व करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। एक तो इसमें डाउट आया हुआ है बच्चों को, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 by x dx। इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है बाय सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी बताया था कि किस तरह से वो वाला रिजल्ट हम यूज करते हैं। दो रिजल्ट्स होते हैं, पार्टीशन हम किस तरह से लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का, है ना, उसके और किस फंक्शन के लिए हम कौन सा पार्टीशन लेके चलें, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सोल्व हो पाए। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो वहाँ से। देखो ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये देखें जो हमारा फंक्शन है उसे सेट करें। फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स वो है एक्स रेज टू पावर -1, यही है ना, 1 by x यही है। अब यहाँ पर अगर आपके पास फंक्शन होता था एक्स रेज टू पावर m टाइप का, m आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, m आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर m आपके पास फ्रैक्शन हो, तो हम जो सेकंड वाला रिजल्ट थे वो यूज करते थे, है ना। और सेकंड वाला रिजल्ट यूज करने के लिए पार्टीशन हम क्या लेके चलते थे, पार्टीशन जो लेते थे हम वो था ए कॉमा ah कॉमा ah स्क्वायर अप टू ah रेज टू पावर n, जो b के इक्वल होता था आपका। ये वाला पार्टीशन लेंगे हम क्लोज इंटरवल ए टू बी का, और फिर हम सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आप पार्टीशन कौन सा लोगे जिससे आप इसको इजीली सोल्व कर पाओ। तो पार्टीशन हम इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या लेते थे, सेकेंड वाला जो पार्टीशन मैंने आपको। यहाँ पर हमारा जो, देखो अगर आपके पास होता था क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो हम जो पार्टीशन लेके चलते थे वो यहाँ पर लेंगे हम ए एच स्क्वायर अप टू ए एच रेज टू पावर आर -1, ए एच रेज टू पावर आर अप टू ए एच रेज टू पावर एन, जो कि बी के इक्वल होता। ये पार्टीशन हम लेके चलेंगे क्लोज इंटरवल ए टू बी का। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो हमें सोल्व करना है इंटीग्रेशन 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2 आपके पास। तो ठीक है, उस हिसाब से अगर आपके पास ये वाली इंटरवल है 1 to 2, तो यहाँ से जब हम पार्टीशन बनाएंगे तो पार्टीशन आपका क्या बनेगा बताओ, 1 फिर एच फिर एक्स स्क्वायर फिर क्या आएगा बताओ, एच रेज टू पावर आर -1 फिर एच रेज टू पावर आर अपन एच रेज टू पावर एन, जो कि आपका 2 के इक्वल होगा। ये तो हमारा जो इंटरवल है वो 1 to 2 इंटरवल दे रखा है, जिसमें हमने इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन ले लिया है, पार्टीशन ये आ जाएगा हमारा, इससे इसी से ये वाला पार्टीशन निकला है। तो अब ये पार्टीशन आने के बाद हमें क्या करना होता है, आई आर एच सब इंटरवल देखेंगे हम। यहाँ से आई आर एच सब इंटरवल जब आप निकालोगे तो क्या आएगा बताना, एच आर माइनस एच रेज टू पावर आर -1 टू एच रेज टू पावर आर, ये वाला सब इंटरवल आ गया आपका। अब इस वाले सब इंटरवल की लेंथ भी निकालनी है हमें। लेंथ निकालोगे तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा, एच रेज टू पावर आर -एच रेज टू पावर आर -1, ये आपकी लेंथ आ गई आर एच सब इंटरवल की। अब उसके बाद लेंथ निकलने के बाद हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होता था इस वाले सब इंटरवल का एक्स जाएगा आर, वो हम एच रेज टू पावर आर लेके चल पड़ते हैं। तो एक्स जाए आर इक्वल टू एच रेज टू पावर आर, ये ले लिया हमने एक्स जाए आर। ठीक है, अब तो सारी चीज हो चुकी है, ले चुके हैं हम एक्स जाए आर ले चुके हैं, तो आप एफ ओफ एक्स जाए आर भी निकाल सकते हो। यहाँ से एफ ओफ एक्स जाए आर क्या आएगा बताना, एफ ओफ एक्स जाए आर
एफ ऑफ एक्स है आपके पास 1/x, तो एफ ऑफ एक्स आई आर क्या आ जाएगा, 1/xir, और xir है, xir है आपके पास 1/x^r, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स आई आर। अब एफ ऑफ एक्स आई आर भी आ चुके हैं, डेल्टा आर भी आ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन को तो सिंपल सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा, एफ ऑफ एक्स आई आर और डेल्टा यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखना ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर, ये निकाल चुके हैं हम 1/h^r, और फिर डेल्टा आर ये आया हुआ हमारा, डेल्टा आर क्या आया हुआ है h^r - h^r-1, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सिंपल है, h^r - h^r-1, अब तो एच आर ये है ना, और यहाँ पे समेशन भी आर इज फ्रॉम वन टू एन, ये है आपके पास, है ना। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर h^r - h^r-1 आ जाएगा, फिर -h^r - 1 / h^r, वो 1/h बचेगा आपका। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इज फ्रॉम वन टू एन, यहाँ पर आएगा 1 - 1/h, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अब हम समेशन जब आर की वैल्यू 1 होगी तो देखते हैं क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आपने आर की वैल्यू 1 ली तो यही आएगा 1 - 1/h, ठीक है। फिर आपने आर की प्लस आर की वैल्यू 2 ली तो भी यही आएगा, फिर प्लस अप टू आपने आर की वैल्यू एन ली तो भी यही आएगा 1 - 1/h, ठीक है। कितने टाइम्स आया ये, एन टाइम्स, तो ये कॉमन निकल गया और 1 + 1 + 1 अप टू एन टाइम्स क्या आ जाएगा, एन टाइम्स 1 - 1/h, तो ये आपका आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन टाइम्स 1 - 1/h, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको लिमिट लगानी है टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो देखो सीधा यहाँ पर इन्फिनिटी मत लिख देना, क्योंकि जो h है आपका वो h क्या है इस वाले उसमें h^n जो है वो 2 के इक्वल आया था जब आपने पार्टीशन लिखा था वहाँ पर, है ना। और यहाँ से जब आप h की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो है 2^(1/n), तो h भी n पे डिपेंड कर रहा है, h भी n पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 2^(1/n) है ना, वो देखती इसको अप्रोच करेगी, निकाल दें यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप को पुट्टी कर देती हूँ वैल्यू, एन और 1 - 1/2^(1/n) ये है आपका, ठीक है। अब आप लिमिट लगाओ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी ये आएगा 1 - 1/2^(1/∞), 1/∞ 0 को टेंड करेगा तो 2^0 1 को टेंड कर जाएगा 1/1 और 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी इंटू जीरो, तो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, और ये हम एडवांस कैलकुलस में थर्ड सेम में एडवांस कैलकुलस का जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म वाला चैप्टर था थर्ड चैप्टर, उसमें सीख चुके हैं कि अगर इस टाइप की कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो हम किस तरह से उसको सोल्व करते हैं, है ना। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम,
किसी को नहीं ध्यान, तो मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ एक बार। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो एन एन ये जो फॉर्म बनी है ना, ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बनी है ना, तो या फिर इसको मैं एन को अगर अपॉन में लिख दूँ तो क्या आएगा, वन माइनस वन बाई टू रेज टू पावर वन बाई एन अपॉन वन बाई एन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर ऐसे लिखोगे तो फिर जब आप इस पे लिमिट लगा रहे हो ना, तो ये जीरो और ये भी जीरो बनेगा, तो ये जो फॉर्म बनेगी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी, ये आपकी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल जब आप लगाओगे तो देखो क्या रखते हैं हम, जो न्यूमिनेटर में है ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। अगर वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट का आंसर आ गया हमारे पास, और अगर फिर से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो उस केस में हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारी लिमिट एग्जिस्ट ना कर जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से वन का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वन तो कॉन्स्टेंट, जीरो थे तो जीरो, फिर माइनस, अब वन बाई टू रेज टू पावर वन बाई एन, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको अगर मैं लिख दूँ टू रेज टू पावर माइनस वन बाई एन, लिख सकते हैं ना ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, या फिर वन बाई टू रेज टू पावर वन बाई एन लिख दो, सेम चीज़ है। अब एक चीज़ देखना, अगर आपके पास दो बच्चों ए रेज टू पावर एक्स है ना, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स, तो आपको ध्यान होगा क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स, फिर लोग ए, और फिर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स का, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाता है वन, तो ये रिजल्ट आपका होता है ए रेज टू पावर एक्स लोग ए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपके पास है टू रेज टू पावर माइनस वन बाई एन, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा टू रेज टू पावर माइनस वन बाई एन, ये है आपके पास, तो वन का तो जीरो आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, यहाँ से कंपेयर करके और फिर देख लो एन के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास आ जाएगा, पहले तो ये एज इट इज ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज है, तो इसको लिखो टू रेज टू पावर माइनस वन बाई एन एज इट इज, उसके बाद लॉग टू, यहाँ पर आएगा लॉग टू, ठीक है। और फिर क्या करना होता है हमें कि जो एक्स था ना, जैसे यहाँ पर जो पावर में क्या है माइनस वन बाई एन है ना, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एन, तो यहाँ पर साथ में हो जाएगा डी ये आपका, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर में जो था उसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एन, आप जो डिनोमिनेटर में है उसका भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एन, कर दो डेरिवेटिव जब आप करोगे, डेरिवेटिव वैसे तो करना ही है सोल्व, लेकिन नहीं भी करो तो ये और ये डेरिवेटिव तो सेम ही आएगा, सेम आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये कैंसिल होने के बाद ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर भी ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाओगे एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आप लिमिट लगा रहे हो तो देखो टू रेज टू पावर माइनस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो टू रेज टू पावर जीरो वन, वन आया, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक सेकेंड, माइनस प्लस में गड़बड़ होगी, देखो यहाँ से हम करते हैं उसको सोल्व करते हैं, यहाँ से आपके पास था डी बाई डी एन और वन माइनस वन बाई एन, इसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, और यहाँ पर आप डेरिवेटिव कर रहे हो एन इस वन बाई एन, यही है ना, तो यहाँ पर ये माइनस भी तो है, ये माइनस बाहर निकालोगे ना पहले, है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर इससे ये वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो
ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, हम इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया, जब लिमिट अप्लाई करोगे आप तो ये तो बनेगा टू रेज टू पावर जीरो, टू रेज टू पावर जीरो होता है वन, वन इंटू लॉग, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हो तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि जब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू एन, तो यहाँ पर लॉग जो आता है ना उसका बेस ई होता है, लॉग द बेस ई, ठीक है। तो ये भी लिख दो आप और बेटर रहेगा, ठीक है। या जब आपको आपने उसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो ये आएगा। आप आंसर अपना चेक कर सकते हो कि जो आपने ये अप्लाई किया है ये मेथड रीमान सम वाला, क्या ये ठीक है या नहीं। उसके लिए आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो आप क्या होता है, लॉग एक्स यही होता है। अब लिमिट है ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया माइनस, लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये आ गया, ये तो हो गया जीरो और ये यही आ गया। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर यही आना चाहिए था आपका, और जब आपने सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी लगाई है तो उससे भी आपको यही आ गया, इसका मतलब आपने जो सोल्व किया वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका एक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।